सुबह उठता हूँ तो पहले अपना ड्रीम को देख के विजुअलाइज करता हूँ कि आज का दिन मुझे क्या करना है, और जब रात को घर में आता हूँ तब समझ में आता है कि मैंने क्या क्या काम किया, क्या डू में किया, क्या डोंट्स में नहीं करना चाहिए था, तो आज से मेरे में क्या लर्निंग रहा, क्या मिस्टेक रहा, क्या अच्छा हुआ, ये सारे बारे में जब पढ़ के मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो अलग सा एनर्जी मेरे अंदर फ्रेंड्स फ्लो होता है, डेफिनेटली होता है, सबके अंदर होता है, इसमें कोई सवाल क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ये मेरे पुराने जो ड्रीम्स है, पुराने नया सब मिला के मैं इसको लगा के रखा हूँ। और इसके साथ साथ जब किचन में चला आता हूँ तब देखता हूँ कि यहाँ सुबह उसुम पानी के साथ, थोड़ा गुनगुना पानी के साथ एलोवेरा जूस और नोनी कोकम, इसको थोड़ा पी लेता हूँ। और साथ में अभी हम लोग इसको पी चुके हैं सुबह सुबह। अभी प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो दोनों प्रोटीन है, जब जिस प्रोटीन को मन करता है खा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा गैप हो गया था बिजी शेड्यूल के वजह से, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। इसलिए कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे वो मैटर नहीं है, क्या आप कर चुके हो वो भी मैटर नहीं है, क्या गलत हो गया वो भी मैटर नहीं है, आज आप क्या करने वाले हो या क्या कर रहे हो वही सबसे ज़्यादा मैटर है। जैसे मैं प्रोटीन कई दिनों से थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अभी से मैं फिर प्रोटीन को शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे। यस, सो ये होता है वानिला प्रोटीन। वानिला प्रोटीन को अभी खाना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर में आपको मैं प्रोटीन शेक बना के दिखाऊंगा, और कैसे इस प्रोटीन शेक को पीते हैं उसको भी हम लोग आपको दिखाएंगे। पहले हम ये भगोना में थोड़ा सा उसुम पानी बना लिए हैं, थोड़ा सा उसुम पानी बना चुके हैं आपके भरोसा विश्वास के लिए, क्योंकि कहते हैं कि विश्वास बहुत तकलीफ से होता है। इसलिए मैंने फिर आग लगा के आपके सामने दिखा रहा हूँ कि उसुम पानी बन रहा है बोल के। अभी ये उसुम पानी बन चुका है, हम अभी इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। वाह, अच्छा, इसको स्कूप को ऐसे ही रखे हैं हम, और स्कूप ये होता है 50 ग्राम की, पूरा फुल प्रोटीन मिलेगा। देखो इसको इसके अंदर मैंने डाला, देखा, क्योंकि काम करने के लिए भाई प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन की। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो प्रोटीन कितना खाना चाहिए, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया था और अभी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको इसमें कई बार कई कई जगह पे थोड़ा सा रुक जाएगा। इसको सही तरीके से प्रोटीन शेक बना लीजिए बढ़िया तरीके से, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इस प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हो, और जैसे कि एनर्जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एडेड शुगर, डाइटरी फाइबर, टोटल फैट्स, ये डायबिटिक फ्रेंडली है। इसको वैनिला प्रोटीन कहते हैं। वैनिला प्रोटीन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, ग्रोथ, नरिशमेंट, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ के लिए दिया गया है। इसमें न्यूट्रिशन विद गुडनेस ऑफ प्लांट प्रोटीन, मिल्क बेस्ड प्रोटीन भी इसके साथ है, और इसमें आइसोफ्लेवामाइन भी मिलाया गया है। थोड़ा सा टेस्टी के लिए हम इसको चॉकलेट प्रोटीन भी थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे। आप एनर्जी लेस भी मिला सकते हो, थोड़ा टेस्टी लगेगा। ताकि इस चॉकलेट प्रोटीन भी इसमें मैंने डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा और टेस्टी होगा, और आपका जो डाइट होगा वो पूरा एकदम शानदार ज़बरदस्त डाइट हो जाएगा, और आप इसको आप पी के पूरा मज़ा ले सकते हो। देखो मैं आपको फिर आगे आगे दिखाऊंगा। सो मैं इसको अभी वो ग्लास में उतार रहा हूँ, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसको ग्लास में उतार देते हैं। और ग्लास में उतारने के बाद अभी हम क्या करेंगे, पी लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं, एक साथ में भी पी सकते हैं।
इधर आ गया। दोनों प्रोटीन को थोड़ा सा मिक्सअप करके टेस्ट के साथ पी रहे हैं। क्या प्रोटीन का शेक, और क्या कहना है, क्या कहना है, जबरदस्त रहा। प्रोटीन का शेक पीजिए, सुबह उठ के ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए, प्रोटीन शेक पीजिए। अगर सुबह सुबह नोनी, आमला, एलोवेरा या दिन भर में कोई भी कैप्सूल मिनिमम एक दो तो खा लीजिए। मेरे पास में कह सकता हूँ कि अवेयरनेस है, या तो मैं थोड़ा मोर रिस्पॉन्सिबल होकर मैं चाहता हूँ कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इसलिए मैं 3-4 सप्लीमेंट को खाने के साथ खा लेता हूँ। और इससे पहले बढ़िया सा एक ब्रेड और टोस्ट बना के खाए और साथ में प्रोटीन शेक पिया करें। फिट रहे, फाइन रहे, मस्त बिंदास से प्रोडक्ट को यूज करते रहे। बिजनेस तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ये 100% डैम श्योर है। बस आप कितना सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम की डिमांड को, एटीट्यूड को मान रहे हो, उसे ही फर्क पड़ता है कि आपका काम बढ़ेगा, उड़ेगा या दौड़ेगा। जय जय स्मार्ट वैल्यू।